उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना नागपनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। मैरिज हॉल के बाहर बाइक सवार तीन युवकों ने युवक के गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर हालत इतनी खराब थी कि उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत सूचना मिलते ही तीन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर दी थी। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। फिलहाल एक अभियुक्त अभी फरार बताया जा रहा है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उस फरार आरोपी की तलाश जारी है और इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड तो नहीं, इसकी भी जांच गहराई से की जा रही है। क्या मामला है? ये आज रात्रि में 9:10 की रात्रि में एक घटना हुई यहाँ नागपुरी थाना क्षेत्र में। यहाँ एक ये शादी बैंकेट हॉल है, किंग पैलेस, वहाँ पर एक शादी का समारोह चल रहा था जिसमें मठा बोलते हैं इसको, उसमें गाना बजाने को लेके दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तो इसमें जो लड़का है एक आहद उसका और ये सलाहुद्दीन जो इस घटना में मृतक है उनके बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना बजेगा, उसने कहा कि नहीं मेरा गाना बजेगा। इस पर उसने मोबाइल छीना, वो मोबाइल वहाँ टूट गया। इस पर जो आहद लड़का था वो वापस अपने घर गया और उसको उसने बताया कि मेरे संग कुछ मारपीट भी की है इन लोगों ने और मेरा मोबाइल वहाँ पर इन लोगों ने ले लिया, तोड़ दिया उसको। इस पर इसके आहद के दो साथी, एक समीर और दूसरा अशहाब, ये तहसील स्कूल बेलदरान क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये वापस आए और इन्होंने जो मृतक सलाहुद्दीन है और उसका भाई भी उसके साथ उसमें मौजूद था उसके साथ इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त लड़के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास एक तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया, और इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 वो था, उसकी गोली इसको पेट में लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त दल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। इलाज के दौरान इसको रेफर किया गया और जाते समय इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो संबंधित केस को पुनः हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं समीर और आहत इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्त अशहाब अभी शेष है, जिसके बारे में अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। सर कोई क्राइम हिस्ट्री है लड़कों की? इसमें जो समीर है इसकी पूर्व का इतिहास है, इसके ऊपर दो मुकदमे हैं 2022 के, जिसमें एक 420 का मुकदमा है और एक मारपीट का मुकदमा। सर बाकी दो का क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो पढ़ते थे क्या करते थे? बाकी जो आहद है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री तो इससे पूर्व की नहीं है, लेकिन ये भी सामान्य तौर पर नशा करने का आदि है। और साथ ही ये भी जानकारी में आया कि जो मृतक हैं उसकी भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी थोड़ा सा अपराधी किस तरह लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति था, तो अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ी लोगों की हुआ करती थी। इस बार भी उसने क्योंकि पहले झगड़ा उसने उसमें शुरू किया था और ये लोग रिटेलिएशन में वहाँ गए और उसके बाद उन्होंने इस पर फायर किया जिससे उसकी मृत्यु हुई। सर ये फ्रेंड सर्किल था क्या? फ्रेंड सर्कल परिचय तो थे ये, हालांकि पूछताछ में ये बता रहे हैं कि जो सलाहुद्दीन था इसका अपना अलग ग्रुप था और ये लोग समय जो है वो दूसरे ग्रुप में।